की आवाज प्रोग्राम के लिए गोवा की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेश बहुगुणा। जहां तक मैं इस गोवा राज्य की बात करूं, 1961 में पुर्तगाली रूल का अंत हो गया था और उसके बाद गोवा को सैन्य प्रशासन में रखा गया। और जहां तक उसकी बात करूं, 8 जून 1962 को सैन्य शासन से नागरिक सरकार में गोवा को बदल दिया गया। और उसके बाद यदि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसके बाद 29 सदस्यों की अनौपचारिक सलाह परिषद को नियुक्त किया था और 40 विधानसभा सीटों के गोवा प्रदेश का 1987 में राज्य का दर्जा दे दिया गया। और वर्तमान की यदि मैं बात करूं तो यहां पर बीजेपी की लगातार 2012 के बाद सरकार बनी हुई है। 2012 की यदि मैं बात करूं, चुनाव की बात करूं तो 2017 में 83% मतदाता ने वोट दिया था और 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान 4 सीटों के लिए उपचुनाव हुए थे जिन पे बीजेपी ने विजय हासिल की थी। और जहां तक मैं इस राज्य के भवन की बात करूं, राज्य भवन का निर्माण 22 जून 1994 को चालू हुआ था और 5 मार्च को तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा उस राज्य भवन का उद्घाटन किया गया था। और वर्तमान यदि मैं राज्य में प्रशासन की बात करूं, सरकारों की बात करूं, तो शायद अभी आने वाले 2022 आगामी चुनाव में त्रिकोण मुकाबला देखने को मिल सकता है। तृणमूल कांग्रेस की मैं जहां तक बात करूं, पूरे राज्य में जब भ्रमण कर रहे हैं तो सुप्रीमो ममता बनर्जी के बड़े बड़े होल्डिंग कहीं ना कहीं सपोर्टर भी नज़र आए। और अरविंद केजरीवाल की बात करो, तिरंगा यात्रा भी 5 तारीख को की गई और कहीं ना कहीं उनके भी बोर्ड नज़र आए। बहरहाल शायद जिस तरीके से 2012 और 17 में हासिल की थी बीजेपी ने जीत, आने वाले समय में इतना आसान नहीं रहेगा। देखिए, आज गोवा राजधानी के भ्रमण पर मेरी सीधी खबरें। जय हिंद, जय भारत।